नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केरल में मूसलाधार बारिश, तटीय इलाकों में भारी नुकसान। केरल के मध्य और दक्षिणी जिलों के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बारिश और अशांत समुद्र के कारण राज्य की राजधानी के तटीय इलाकों अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों में सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने बचाव कर्मियों को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने का निर्देश दिया है। इन इलाकों में प्रभावित लोगों के रहने के लिए राहत शिविर भी खोले गए हैं। पुलिस ने बताया कि वलियाथुरा, अदिमलाथुरा और चेरियाथुरा के कई घरों में पानी घुस गया है। मौसम केंद्र ने बताया कि 19 मई की सुबह केरल के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साध्वी प्रज्ञा ने दी देह त्याग की धमकी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उज्जैन में कुंभ स्नान एवं अपने गुरु जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी से मिलने जाने की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा सोमवार सुबह 10 बजे से दवा एवं अन्न छोड़कर सिर्फ पानी पी रही हैं। साध्वी ने चेतावनी दी है कि 21 मई के पहले अनुमति नहीं मिली तो वे शरीर त्याग देंगी। प्रज्ञा को देवास कोर्ट इजाजत दे चुका है, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए शासन ने इस पर असहमति जता दी है। मैं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए पार्टी के 16 शीर्ष राजनेताओं को मात देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह खुद को शक्तिशाली नहीं मानते हैं और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक प्रश्न के जवाब में 69 वर्षीय नेता ने कहा है कि अब मैं खुद को कुछ हद तक एक दूत के रूप में देखता हूं। दिल्ली निगम चुनाव में भाजपा को झटका, आम आदमी पार्टी अव्वल। दिल्ली में फिर से अपना राजनीतिक आधार तलाश रही कांग्रेस ने मंगलवार को 3 निगमों के 13 वार्डों में हुए उपचुनाव में 4 सीटें जीतकर वापसी की है। आम आदमी पार्टी को 5 और भाजपा को 3 सीटों पर तथा एक निर्दलीय उम्मीदवार को विजय मिली है। भाजपा के पास 13 वार्डों में से पहले 7 वार्ड थे, लेकिन इस बार वह केवल 3 पर ही जीत हासिल कर पाई। भाजपा ने 3 पूर्व विधायकों विनोद कुमार बिन्नी, जितेंद्र शंटी और महेंद्र नागपाल को चुनाव मैदान में उतारा था, जिनमें से केवल नागपाल विजयी हो सके। हाईकोर्ट ने कुश्ती महासंघ और खेल मंत्रालय से सुशील कुमार की याचिका पर जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ को निर्देश दिया कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की बात सुनी जाए, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 की कुश्ती प्रतियोगिता के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर फैसला करने के लिए चयन ट्रायल कराने की मांग की है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने निर्देश दिया कि WFI के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोच याचिकाकर्ता सुशील का पक्ष सुने। अदालत ने साथ ही खेल मंत्रालय और WFI से भी जवाब मांगा है और उन्हें हलफनामा देने को कहा। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।